हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो रेडमी पे 750 रुपये का जो कैशबैक है रेडमी 9e मोबाइल पे, तो ये कैशबैक कैसे लेना है, इंस्टेंट कैसे लेना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे आपको नॉलेज वीडियो मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो माई जियो एप्लीकेशन है, उसमें जो तुम्हारा सिम कार्ड है वो स्लॉट 1 में डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो सिंपल प्रोसेस है, कुछ बड़ी प्रोसेस नहीं है। कौन सा पे हैंडसेट हो, जियो के अगर कैशबैक हो तो सिम 1 में डालने का और उसमें लॉगिन करने का। तो देख सकते हैं ये लॉगिन हो रहा है। तो ये जो वीडियो है मैंने शॉप में नहीं तो ये गांव में शूट किया है, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे शाओमी का 9e एक ही मॉडल सपोर्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, तो बहुत सारे गाइडलाइंस टर्म्स कंडीशंस हैं। तो आपको जियो में 1 नंबर में सिम कार्ड कंपलसरी डालना है, तो ये 1 नंबर में दूसरा सिम डाल नहीं सकते, ओनली 1 नंबर में आप जियो डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, आपको सेटिंग में जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे, और सेटिंग जियो एग्जीक्यूटिव ऑफर है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इसका जो सिक्योरिटी नंबर है, जो IMEI नंबर है, और जो तुम्हारा सिम कार्ड का नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो मोबाइल का IMEI नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पे IMEI नंबर इस पर शो हो रहा है, और हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको प्रोसेस करना है, और आपको यहाँ पे जो तुम्हारी UPI ID है, जो भी तुम्हारी UPI ID है यहाँ पे डाल देना है। मेरी जो UPI ID है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको मैं, जो मेरा गूगल पे फ़ोन पे की UPI ID है, वो UPI ID यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे UPI ID डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो 10 या 15 मिनट में आपको एक कैशबैक इंस्टेंट आ जाएगा। तो कैशबैक वाला भी वीडियो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो 10 या 15 मिनट में आपको कैशबैक आ जाएगा। तो UPI ID डालने के बाद फिर से आपको एक OTP आ जाएगा, वो भी आपको डालना है और इसको कंफर्मेशन करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तो आपको फिर से चेक करना है सेटिंग में जाके कि आपका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हो चुका है या नहीं। फिर से आपको सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं।